हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फील्ड डेंसिटी टेस्ट, जो हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के जरिए करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ये आपका टेस्ट आपका सबग्रेड का भी हो सकता है, GSB का भी हो सकता है और WMM यानी कि वेट मिक्स मैकडम का भी हो सकता है। प्रोसीजर तीनों का सेम है, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। आज मैं एक फॉर्म होता है, जो मैंने फॉर्म को जस्ट इस पे उतार दिया है डायरी पे, ठीक है। देखिए, उसमें सबसे पहले होता है लोकेशन, जो आप टेस्ट कर रहे हो उसकी लोकेशन कौन सी है। मेरी है चेनज 7400 राइट साइड पे, यहाँ पे चेनज लिखी है मैंने 7400। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल कौन सा, मेरा सबग्रेड। MDD है मेरी 1.904। डेंसिटी ऑफ सैंड, जो उसमें सैंड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी है 1.402। डेट ऑफ सैंपल 6 तारीख है। सैंपल बाय मेरे द्वारा लिया गया है, इंजीनियर सुभिंदर सिंह। डेट ऑफ टेस्टिंग 6 तारीख को करी है। OMC ओवर मॉइस्चर कंटेंट 9.58 है, एज पर साइड है, ये साइड पे इतना आया। वेट ऑफ सैंड इन कॉन 332 ग्राम, ये कॉन का वेट होता है, ये आपको लैब में निकालना पड़ता है, या आप साइड पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना देखिए, वेट ऑफ वेट सॉइल फ्रॉम होल, जो मेरा पिट मारी है मैंने वहां पे, जो पिट से जो मेरा मटेरियल बाहर निकला है उसका जो मेरा वेट आया है वो है मेरा 2824 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग, मतलब उसको पोर करने से पहले का वेट है मेरा 6600। वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग 4325। वेट ऑफ सैंड इन कोन, जो हम साइड पर निकालते हैं या लैब में निकालते हैं, वो ये है 332। इसमें से अगर मैं इसको दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये भी मेरा माइनस हो रहा है, ये भी मेरा माइनस हो रहा है, ठीक है, तो दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1943। ये मेरा क्या आया, वेट ऑफ सैंड इन होल, जो होल के बीच में जो मेरा सैंड बच गया है, मतलब जो भरा हुआ है, ये उसका वेट है। अभी मेरे को होल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वेट ऑफ सैंड इन होल, जो होल के बीच में सैंड है, और डेंसिटी ऑफ सैंड, यानी कि ये डेंसिटी ऑफ सैंड है, मैं इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वॉल्यूम ऑफ होल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 1943 डिवाइड बाय 2, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1385। ये जो मेरा 1385 आया, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ होल आया, जो मैंने पिट मारी थी, पिट का जो मटेरियल निकाला था उसका होल का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अभी मेरे को डेंसिटी निकालनी है, तो बल्क डेंसिटी निकालनी है, वेट ऑफ वेट सॉइल, यानी कि जो मेरा वेट सॉइल था, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2824। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ होल से, इससे होल से डिवाइड कर दूंगा 1385, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मेरी जो बल्क डेंसिटी आ जाएगी 2.038, ठीक है, ये मेरा बल्क डेंसिटी आ गई। दोस्तों से एक फार्मूला याद रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ये फार्मूला इसमें भी यूज होता है, सारे में मतलब ये फार्मूला यूज होएगा, भाई ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी को डिवाइड बाय में मॉइस्चर करना है मैंने, ठीक है, मेरी बल्क डेंसिटी कितनी आई है 2.038,
2.038 डिवाइड बाय, ठीक है, तो मेरा मॉइस्चर कितना 9.58 है, यानी कि 10 है मेरा, तो 1.10 आ जाएगा मेरा, तो मेरा ये कितना आ जाएगा 1.858। अभी ये जो 1.858 आया, ये मेरा क्या क्या है, ड्राई डेंसिटी 1.858, ये मेरी ड्राई डेंसिटी आई है। ये जो बल्क डेंसिटी है, आप इसको वेट डेंसिटी भी बोल सकते हो, ये वेट डेंसिटी है, ठीक है। वेट डेंसिटी को मैंने मॉइस्चर से डिवाइड कर दिया, मेरी ड्राई डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी को मैं डिवाइड कर दूंगा MDD से, ये मेरी ड्राई डेंसिटी है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, MDD से, 1.904, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 0.9758, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 97. तो मेरा कितना है 97.584, ठीक है। ये जो मेरा आ गया कंपैक्शन आ गई, क्या आ गई, ये मेरी कंपैक्शन, ठीक है। ये जो मेरी आई है, ये मेरी बेड की कंपैक्शन आ गई है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है।